आसानी से ले बेटा रोटी खा। नहीं दादी, मैं अभी खेलूंगा, बाद में खाऊंगा। ना बेटा, रोटी हमेशा टाइम तक खानी चाहिए, ना तो ठंडी हो जाएगी। नहीं दादी, मैं अभी खेलूंगा, अगर रोटी ठंडी हो गई तो आप मेरे लिए दोबारा बना देना। ना बेटा, देख अन का अनादर नहीं करते, मैंने समझा रखा ना तू। हाँ दादी। यार अब मम्मी को समझाते क्यों नहीं हो कुछ? क्यों, क्या बात होगी? वो तनिष को झूठा खाना खिला रही है अपना। अरे फिर क्या हो गया, रोटी तो खाओ है, कोई जेट न खवाती, खाम खाई की टेंशन ले रही है। अरे आप पागल हो क्या, छोटा बच्चा है वो, आपको पता है मम्मी बीमार रहती है, वो बीमार हो जाएगा उनके साथ। पागल मैं नहीं, पागल तू हो रही है, मारते भी ज्यादा फिक्र उसकी दादी करे उसकी, उसने भी रहा है के सही है के गलत है। खाना भड़के जाएगी। मम्मी जी क्या दिक्कत है आपको मेरे से? क्यों बेटा, क्या बात होगी? जब आपको कितनी बार बोला है मैंने कि बीमार रहते हो, मेरे बेटे को झूठा मत खिलाया करो अपना, तो क्यों खिला रहे हो आप, बीमार हो जाएगा वो भी। बेटा मेरा कोई बीमारी थोड़ी ना है, बुढ़ापा ये तो आया है। मैं नहीं जानती ये सब, आपको आखिरी बार बोल रही हूँ मैं आज, चल यहाँ से। कितनी बार समझाया मैंने आपको कि दादी के पास मत जाया करो, अब अगर उनके पास गई उनके साथ खेलना तो चाटा मार दूंगी मैं, आई समझ? मैं काम निपटा के आ रही हूँ, यहाँ जाके नहीं खेलना, सिर्फ अपनी जगह पे खेलना। मेरा तो कति जी नहीं लगता तेरे बिना। दादी मैं क्या करूं, मम्मी आपसे पता नहीं इतना क्यों चिढ़ती है, मुझे आपके पास भी नहीं आने देती। कोई बात ना बेटा, नूना बोलिया करते। फिर अपनी दादी के पास चला गया होगा लड़का। वो देखो मम्मी गिरेगी। ना बेटा, तानिश गलत बात है तेरी, अगर तेरी मम्मी की जगह मैं गिर जाती मेरा भी मजाक उड़ावा है तू। नहीं दादी, मैं आपकी हेल्प करता। चल जा, मम्मी की भी हेल्प कर। तुझे क्या समझाया था मैंने अभी कि मत जाकर दादी के पास, अभी दो मिनट पहले की बात है तानिश, फिर तू चला गया उनके पास। चल बिल्कुल चलते दादी को सीधा करके आऊं पहले तो मैं आज। क्या बात है मम्मी जी, आपको कितनी बार बोला दूर रहा करो मेरे बेटे से, क्यों आ जाते हो उसके पास? इतना समझदार नहीं है वो कि खुद आएगा आपके पास, आप ही बुलाते होगे जरूर उसको, आपके साथ रहने के ये भी गवार बनता जा रहा है धीरे धीरे। करम फूट गया मेरे तो इस घर में आके शादी करके, पता होता ना कि आप ऐसे हो तो मैं शादी नहीं करती कसम से। अब ना तो आप मानोगे ना ये मानेगा, मैं ही कुछ करूंगी देखना। चल ऐसे
जाते रहो और वहाँ मेरा जीना आराम होता जा रहा है। ये क्या हो गया? कल मैं गिर गई थी तो तनिष जोर जोर से हंसने लगा और ये सारी गवार चीजें आपकी माँ सिखा रही है उसको। यार तू पागल हो रही है कि मेरी माँ क्यों सिखाओगी उसने वो सब? मेरी माँ तो बड़ी असंस्कार सिखाओ उसने। मुझे नहीं पता, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती। यार मैं किसान हूँ, खेती बाड़ी छोड़ के ऊपर जा सकूँ मैं? तो ठीक है, उसको भी गवार बना लो अपनी तरह, वो भी ऐसे खेत में ही करेगा काम कल को। यार मने गर्व है कि मैं किसान हूँ, कम तक मारी वजह से कोई भूखा तो नहीं सोता। ठीक है, एक काम करो, औरों को खाना खिलाओ, अपने घर के चूल्हे बुझा दो, ठीक है? मैं अपने बेटे को लेके जा रही हूँ यहाँ से। बेटा हम बाहर जा रहे हैं। हम मतलब दादी भी? नहीं बेटा, दादी नहीं, मैं, तुम्हारी मम्मी और तुम, हम तीनों बाहर जा रहे हैं। पापा प्लीज ऐसा मत करो, दादी हमारे बिना अकेले रह जाएंगे, हम फिर भी तीन हैं, वो तो अकेले हैं। चलो बेटे तुम प्लीज जितनी करते चलो। तनिष खाना क्यों नहीं खाया अभी तक? नहीं खाना मुझे। चलो एक काम करो, देखो आपकी फेवरेट फ्रूटी लेके आई हूँ, ये पी लो और ये स्नैक्स खा लो फटाफट। दादी कहते हैं ये अच्छी चीज नहीं होती। चलो एक काम करती हूँ, मैं रोटी गर्म करके ले आती हूँ, ठीक है? रहन दो, मैं ऐसे ही खा लूंगा। सुनो तनिष बहुत उदास है, प्लीज बाहर चल पड़ो। मेरा मन नहीं है, तुम दोनों चले जाओ। ये मन वाली कौन सी बात होती है, हमारा बच्चा है, आपको भी सोचना चाहिए थोड़ा सा। ये सब किया था ना तुम्हारा ही है, तुम वहां से उसको ना ले जाती ना ही उसकी तबीयत खराब होती। अब तुम ही झेलो, तुम ही करो जो तुम्हें करना है। तो सारा किया धारा मेरा है, लेकिन बच्चा तो हमारा है ना, और वैसे भी वो उदास बैठे मेरा मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी।
लो बेटा तनिष, चलते हैं। का दादी के पास? तनिष ये क्या दादाजी लगा रखा है, घूमने के लिए जा रहे हैं बाहर, खड़े हो जाओ। यार कभी तो प्यार से बोला करो, तुम जब देखो बेचारे पे गुस्सा करती रहती हो। बच्चा है समझ जाएगा। बेटा दादी के पास फिर कभी चलेंगे, अभी नीचे घूमने चलते हैं, चलो। आप दोनों चले जो, मेरा मन नहीं है। बेटा जिद नहीं कर। तनिष कहाँ है? मेरे को क्या पता कहाँ है, अभी तो यहाँ खेल रहा था। वहाँ से देखते हैं। कुछ भी नहीं खाया होगा, प्लीज। तानिश, बेटा हमने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। तनिश कहाँ चले गए थे आप? आपको पता है मेरी तो जान ही निकल गई थी। वाह माँ, कितना दुख हो रहा है ना आपको मेरे खोने का, और उस माँ से पूछो जिसके दो दो बच्चे खोए हैं। देख रहे हो मेरी माँ के संस्कार जो इस बच्चे को दिए हैं, और तुम हो कि हर बार मेरी माँ को उल्टा समझती रही, गलत समझती रही। मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं ही नहीं समझ पाई आप लोगों का प्यार। आपको भी आपकी माँ से दूर कर दिया और इसको इसकी दादी से दूर कर दिया। आज मुझे मेरा बच्चा गुम हुआ तो समझ आ गया कि कितना दुख होता है जब औलाद दूर होती है। अगर आज ये नहीं होता ना तो शायद तुम्हें अपनी गलती का एहसास होता। प्लीज मुझे माफ कर देना। चलो तनिष आज ही दादी के पास चलेंगे हम लोग। हाँ।